व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का स्वागत है स्ट्राइक एंड पॉकेट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक कमाल का ब्रेक टू फिनिश शेयर करने वाला हूँ और साथ ही मैं कैलकुलेशन समझाऊंगा कैसे करते हैं वो बताने की कोशिश भी करूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ब्रेक हमने किस तरह से अरेंज किया है, बहुत ज़्यादा टाइट है ब्रेक, हम पहले मारेंगे। तो ये है पहला ब्रेक। अब इस ब्रेक को स्लो मोशन में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं स्ट्राइकर कहां से जाता है, कहां पर लगता है और कैसे होता है ब्रेक। तो ये आप खुद देख सकते हो। अब ये पोजीशन की बात करता हूं, तो मैं पोजीशन देख रहा हूं तो मुझे ठीक ठाक सा पोजीशन लग रहा है। अगर मैं देख रहा हूं तो वो इसमें खेल के लेना पड़ेगा, मतलब सीधा सीधा तो कुछ जा रहा नहीं है। क्वीन वगैरह सीधी आ गई है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो अभी ये पोजीशन में मतलब पीस तो दो चार खुली थी, क्वीन का कवर भी ईजीली हो गया, लेकिन अब सेंटर में पोजीशन एक कनेक्शन नज़र आया मुझे। तो ये ब्लैक से कनेक्शन बनाएंगे हम लोग, तो ये बनाना पड़ा, मतलब ऐसे एकदम इजी नहीं था, मार के लेना पड़ा। तो ब्रेक काफ़ी अच्छा नहीं था, लेकिन खेलने के लिए काफ़ी कुछ था, तो एक अच्छा ब्रेक इसको बोल सकते हैं। अब ये पोजीशन अगर देखते हैं तो ब्लैक सारी खुल चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन हमें अभी वाइट, अभी भी हमारी जो चारों वाइट है वो अटकी हुई नज़र आ रही है। तो एक मैं देखा एक स्ट्रोक हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, उसका नाम है डिफ्लेक्शन स्ट्रोक। तो एक कनेक्शन को सीधी कॉइन पे मारेंगे, तो देखो किस तरह से हमने मारा है, ये एक डिफ्लेक्शन स्ट्रोक यहाँ पे मारा हमने, किस तरह से मारा थोड़ा स्लो मोशन में देखो। वाइट को टच किया ताकि वो जो पहले दो वाइट है वो भी ईजी हो जाए, फिर एक जो रॉन्ग शॉट था वो रॉन्ग शॉट पर एक वाइट पर मारा, और उस तरह से हमने ये पोजिशन रिलीज़ करने की कोशिश करी। दोस्तों, इस तरह से ये पूरा ओपन किया हमने, मतलब बनाया पोजीशन, एक पहले कनेक्शन मारा, उसके बाद में एक डिफ्लेक्शन स्ट्रोक, बाद में कनेक्शन मारा। अब ये पोजीशन में देख रहा हूँ तो एक वाइट मुझे डिफ़िकल्ट नज़र आ रही है, बाकी तो तीनों जा रही है। तो इससे देखो कैसे मारा, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कंट्रोल स्ट्रोक होता है। जब आप बात करते हो एक पीस को मार के दूसरे पीस को कनेक्शन बना रहे हो आप, मतलब ये आपके आपके हाथ में कंट्रोल नज़र आता है इससे। अब ये एक देखो कितनी क्लोज मिस हुई, मतलब थोड़ा सा भी अगर आप मतलब अपना ब्रेक टू देख के आप घाई कर दोगे या फिर छोड़ दोगे स्ट्राइकर, तो आप इजी स्लैम में मिस कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट स्लैम हो चुका था, मिस होने जैसी कॉइन नहीं थी, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ अच्छा कनेक्शन वगैरह थे इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। अब एक कमाल का ब्रेक टू फिनिश देखते हैं, तो चलिए ब्रेक करते हैं और देखते हैं ये ब्रेक। अब ये भी एक ब्रेक हम लोग देखते हैं, तो ये ब्रेक पिछले ब्रेक से ज़्यादा बेहतर है। बेहतर क्यों है, क्योंकि बहुत परफेक्ट स्ट्राइकर ट्रैवल किया है, स्ट्राइकर रुका है जहाँ पे चाहिए, और दो दो बम है इसमें, दो बम आ चुके हैं सीधा सीधा। तो एक कॉइन जा रही थी उसको मार लिया। अब देखो कनेक्शन वगैरह है, लेकिन नहीं मारना है, पहले एक बम मारेंगे। ये बम से मेरे हिसाब से दो वाइट और एक क्वीन सीधी रिलीज हो गई है, मतलब एकदम ईजी हो गई है। तो अब अगर मैं देख रहा हूँ तो क्वीन मुझे सीधी नहीं जा रही है, मुझे उसके लिए पहले वो वाइट वहाँ पे मारना पड़ेगा, तब जगह होगी, उसके बाद मैं क्वीन मार पाऊँगा। लेकिन मैं वो क्योंकि बम है मेरे पास में वो वाइट, तो मैं पहले जो ये दो वाइट जा रही है उसको मार लेता हूँ, और उसके बाद अब हम वो वाइट से जो सेंटर में अटकी हुई कॉइन्स है उसको रिलीज़ करेंगे। देखो कैसे स्लो मोशन में देखते हैं। इससे हमने क्या किया, इससे ये दो कॉइन्स को सेंटर में जो थी उसको रिलीज़ किया। अब हम मारेंगे क्वीन, क्वीन क्योंकि पहले नहीं जा रही थी, अब एकदम इजी जा रही क्योंकि वो वाइट हमने मार ली, और अब हम ये देखो सेंटर में कनेक्शन है, वो कनेक्शन को मार लेंगे तो क्वीन कवर भी हो जाएगा। और अब बचती है दो कॉइन, दोस्तों दो कॉइन बचती है, तो ये भी कट जा रही है, कट जा रही है बहुत आसानी से, इसको कट भी मार लिया। और उसके बाद में अब ये लास्ट कॉइन है, तो पहले मैं देखा इसको सामने वाले पॉकेट में जा रही है, जा भी सकती थी नहीं भी जा सकती थी, तो अनडाउटफुल था, और इसको ज़्यादा ईजी हम वो मतलब जो सीजर ग्रिप से कट मारेंगे वो था, लेकिन वहाँ पे एक ब्लैक थी इसलिए थोड़ी सी तकलीफ थी मारने के लिए, लेकिन काफ़ी आसानी से हमने इसको मार लिया और एक बहुत ही प्यारा ब्रेक टू फिनिश हुआ ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर करिए, कमेंट में हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। My Carrom is the specialized online store of the Carrom boards. If you are looking for Carrom board, stand, lamp shades, Carrom, striker, powder, Carrom cover, Carrom pockets or any other Carrom accessories. My Carrom is the one-stop solution, 100% original and genuine products you will get on My Carrom website. If you have query or doubt, call 88987570038.